हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज हम बात करने वाले हैं सोलाना के बारे में। जल्दी से सोलाना के अंदर चलते हैं और देख लेते हैं क्या लग रहा है मार्केट को लेकर। देखिए, वन ऑफ़ द इम्पॉर्टेंट कॉइन्स है जिसको मैं लास्ट के कुछ वीक्स में बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को। इसके लेवल्स भी बता चुका हूँ, मैंने आपको नीचे आने वाली जगह भी बताई थी। अगर जितने भी लोग अपडेटेड देख रहे हैं मेरे चैनल से, उन्हें ये रेड जोन बताया गया था, डार्क रेड जोन, जो था $22 से लेकर $21.50 के आसपास, और अभी हम चल रहे हैं 21.65 ऑलमोस्ट। तो क्या होने वाला है देखने के लिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं वीडियो के अंदर। तो पहले हम देखेंगे सोलाना को डेली में। अगर हम डेली में सोलाना का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक, मेरा टारगेट $32 सोलाना का है। ठीक, और सोलाना एक ऐसा कॉइन है जिसके रीसेंट क्रैश में हमें वो पुराने सपोर्ट्स लूज होते नहीं दिखे जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अगर ये क्रैश हुआ है और बाकी ऑल एल्वंस के कंपैरिजन में अगर हम इस क्रैश को कंपेयर करते हैं, तो इसमें लो यहाँ तक आना चाहिए था एटलीस्ट। चलो ठीक है, वहाँ भी अगर नहीं आता तो इसको लो 20 समथिंग आया, उसके बाद ऊपर गया, पिक कर लिया बहुत फास्टली। और वहीं पर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो ये कि $18 तक ये लो आ जाता आराम से, और दैट विड हैव बीन अ फॉल ऑफ अराउंड 17-20%, जो कि नहीं हुआ सोलाना में। हालांकि सोलाना में जो फॉल हुआ है वो अगर हम बात करें ऑलमोस्ट कल के क्रैश के बाद, अगर हम बात करें तो ये ऑलमोस्ट हुआ है 8-10% का केवल। ठीक है, क्योंकि परसों से, अगर हम परसों की भी मार्केट से ले लें तो वहाँ से लेकर अभी तक जो हमारा क्रैश हुआ वो 11% का सिर्फ हुआ है। बाकी और कॉइन्स जितने भी हैं वो 20-30% डाउन हो चुके हैं। तो ठीक, पहले तो ये स्ट्रांगनेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। दूसरी, मैं एक और चीज़ आपके सामने लाना चाहता हूँ, वो है ये। इसमें मैं आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, उससे पहले समझा देता हूँ क्या है इसमें। देखो, ये एक चार्ट है और इसमें मैं आपको एवरेज CVD दिखाता हूँ। CVD यानी क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, कहाँ पर लोग स्पॉट में बाइंग कर रहे हैं। एवरेज एग्रीगेटिव CVD स्पॉट को अगर मैं आपको दिखाऊं तो दैट इज़ इंक्रीजिंग, अ लिटिल बिट इंक्रीजिंग। आप देखोगे इस तरह से ऊपर की ओर जा रहा है, क्योंकि ये डेल्टा बहुत बड़ा होता है डेटा, तो इसमें छोटे छोटे मूवमेंट भी बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मूवमेंट है इसमें, ठीक है, कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज़ क्या है कि फंडिंग रेट को अगर हम देखें तो ये बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव गई थी, उसके बाद भी ये नेगेटिव ही चल रही है फंडिंग रेट। तो कहीं ना कहीं ये रेडनेस जो आपको दिख रही है फंडिंग रेट में, तो दैट सेज कि लोग अभी भी इसको इसमें शॉर्ट जो है कहीं ना कहीं कर रहे हैं। और शॉर्ट का मतलब यही है कि यहाँ पर हमेशा मतलब नहीं होता, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। मैं आपको यहाँ पर अगर दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो मार्केट यहाँ से, तो क्या कहने का मतलब है, सिर्फ फंडिंग देख के आप मार्केट को लॉन्ग नहीं कर सकते, लेकिन फंडिंग को अगर आप अपने एक्सपीरियंस से, अपने टेक्निकल एनालिसिस से और कैंडलस्टिक से जोड़ दो, तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है कि हाँ सोलाना स्ट्रांग है। क्योंकि इस पूरी थीसिस से ये पता चलता है कि जो शॉर्टर्स हैं वो रेक्ट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, सिर्फ पॉसिबिलिटी है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि सोलाना अपने सपोर्ट्स को होल्ड कर रहा है, इसके लिए मैं ये देखना प्रेफर करूँगा। और कौन सा सपोर्ट था मेरा, ये बड़ा वाला जो आपको लाइट रेड में दिख रहा है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम का यानी कि वीकली का सपोर्ट है। तो वो तो अभी सोलाना होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, आप देखो इस तरह से वीकली में। तो कहीं ना कहीं अगर ये सोलाना इसके ऊपर टेस्ट भी हो गया, अगर क्लोजिंग यहीं पर भी कर दे सोलाना, कहीं मतलब मान लो यहीं पर भी क्लोजिंग कर दे, तब भी सोलाना सेफ ही सिक्योर होगा। ठीक है, इसी के साथ एक और इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ देना चाहता हूँ। अगर किसी को भी मेरे प्राइवेट क्लब, प्राइवेट ग्रुप से जुड़ना है, जहाँ पर हम क्वालिटी सिग्नल्स शेयर करते हैं, मार्केट के अपडेट फास्ट शेयर करते हैं, कॉइन्स कौन से लेने चाहिए, कब लेने चाहिए वो बताते हैं, लेवरेज कॉल्स देते हैं और एंट्रीज स्टॉप लॉस और टारगेट के साथ देते हैं, मैं और मेरी टीम। तो अगर आपको जुड़ना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आपको पिंड मैसेज देखना है, वहाँ पर आप को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आप जुड़ोगे। ठीक है, बहुत ही चीप है और आप जुड़ सकते हो, इससे ज़्यादा ही मनी बनाओगे, ये आप लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सोलाना में कि सोलाना को पिक कर सकते हैं एट दिस सपोर्ट, पहली चीज़ सोलाना को यहाँ पिक किया जा सकता है। सेकंड, इसमें बाइंग अगर देखनी है आपको इन द वीकली टाइम फ्रेम, तो मुझे नहीं लगता कि यार इससे नीचे, मेरे ख्याल से, मेरे एक्सपीरियंस में इसको नहीं तोड़ना चाहिए नीचे। अगर क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यहाँ पर ह्यूज बाइंग प्रेशर है, ये आप विक्स देख रहे हो कितनी स्ट्रांग विक्स है, आप समझ रहे हो, ये जो विक्स हैं यार 3-3, 4-4, ये विक्स बहुत स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इंटरेस्ट तो बहुत है पब्लिक का, और अगर ये छूटता भी है तो हमारे पास एक नीचे सपोर्ट है जो हमें बचा रहा है, वो अराउंड 19.9 यानी कह लो $20 का। तो कहीं ना कहीं सोलाना इज दी कॉइन जिसको आप यहाँ कहीं इस मोटी रेंज में पकड़ो और इसको रखे रहो। ठीक,
अब स्ट्रांगनेस में इसमें इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, अगर ऑल्ट कॉइन्स की डोमिनेंस बढ़ती है तो ये ब्लीड कर सकता है, और ब्लीड करके फिर तो ये ऑलमोस्ट इस जोन में आ जाएगा जो मेरी लॉन्ग टर्म का है 11 से 12। लेकिन उसके चांसेस मैं अगर अब आपको बताऊँ तो इसके 30% चांसेस होंगे, 70% चांसेस हैं कि ये यहाँ पर होल्ड करेगा, अगर गिवन दैट मार्केट अगर यहाँ पर क्रैश ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट या फिर कोई बहुत ही बड़ा इवेंट ना आ जाए। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर बुलिश होने के काफ़ी वजह हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि लोग यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं जिनको रेक्ट होने के चांसेस हाईली लाइकली है, क्योंकि स्पॉट में बाइंग अच्छी हो रही है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर सोलाना के इस पर चले तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा अपडेट फंडामेंटली भी दिखती है, जैसे कि अगर हम देखें 13 घंटे पहले लेयर 3 के साथ अनाउंसमेंट है, ब्रेव के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की। आपको पता होगा अभी मैंने ब्रेव ब्राउज़र खोला तो इसमें एक गेम भी आया था जिसकी पार्टनरशिप हुई है, और इन्होंने यहाँ पर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए सोलाना लैब्स का एक सोलैंग जो है इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अ कंपाइलर इनेबलिंग डेवलपर्स टू राइट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन सोलाना इन सॉलिडिटी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सोलैंग को लेकर, ठीक है। तो सोलैंग कंपाइलर है जो डेवलपर्स की हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और काम चल भी रहा है, ठीक। और अगर हम इम्पॉर्टेंटली देखें तो यहाँ पर कई सारी ऐसी आपको पार्टनरशिप देखने को मिलेंगी जो आपके लिए जो आपको इसमें बुलिश बनाती हैं, ठीक। तो ये हो गया, और इम्पॉर्टेंट हमें BTC में अगर हम देखें तो BTC का एक रिविजिट हो सकता है, और अगर ये रिविजिट होता है तो आप समझ सकते हो कि इस रिविजिट में सोलाना हमको थोड़ा सा आराम से डिस्काउंट में मिल सकता है, मे बी इट कम्स टू $20 टू अगेन, और वहाँ पर आप इसे पिक कर सकते हो, ठीक। और हमारा टारगेट शॉर्ट टर्म में सोलाना का $30 $32 ये ग्रीन वाली रेंज रहने वाली है, सिंपल है। और बस यही अपडेट थी, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड आपको अगर हमारे प्राइवेट क्लब से जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम में लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।